उसके संबंध में आपको बता दिया गया है, लेकिन जो आप कार्य कर रहे हो, पैसा कलेक्शन कर रहे हो, वो आपका चलता रहना चाहिए। हमारी कैट में जो केस डला है उसकी भी तारीख 19 मार्च है, वो भी आपके परमानेंट इलाज की उसमें बात की गई है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पड़ेगी और पड़ेगी, इसकी हमारे बीच में बातचीत हो चुकी है। तो साथियों, इसीलिए हाई कोर्ट की वजह से, क्योंकि हाई कोर्ट में हम डबल बेंच में जाने का कोई फायदा नहीं है, सारी कलेक्शन जो है क्लब हो रही है। तो इसीलिए साथियों, अपना कलेक्शन करते रहे। आज जो आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, इससे ये मैसेज ये नहीं कि आप सड़क के ऊपर बैठे हो, आपका पूरा मैसेज एलजी के पास जा रहा है और दिल्ली सरकार के पास जा रहा है, गवर्नमेंट में गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में गया है। एलजी ने ऐसे आपकी बात को नहीं माना, आपकी ताकत को देख करके माना है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको जब भी कॉल किया जाए, आप अधिक से अधिक संख्या में आए, ताकि आपके जो हितों पे ये कुठाराघात करने वाले लोग बैठे हैं, इनको ये सबक मिल सके कि ये लोग सड़क को भी उतरना जानते हैं और सड़क को बनाना भी जानते हैं, उसको खोदना भी जानते हैं। तो साथियों, इन सड़कों को जो हमने इनकी सुविधा के लिए बनाया, इसको खोद करके इनके लिए गड्ढे पैदा करने का काम भी हम कर सकते हैं। तो आपको अपने नेताओं पर, अपने साथियों पर विश्वास करना होगा, और आपके जो साथी हैं आपके विश्वास पर खड़ा उतरेंगे। एक जानकारी और दे दूं भाई साहब, बहुत सारे व्हाट्सएप पे उसे मैसेज कर रहे हैं, पैसा सही है उसको। जो मुकेश शर्मा कैट में गया है, वो सीनियरिटी डाउन कराने के लिए गया है, कि ये जो प्रमोशन हमारे जो साथियों के एडोक बेसिस पर कर रहे थे 97 वाले, उस पे कुछ लोग आए, उसमें गिना चुने लोग, उन लोगों की सीनियरिटी डाउन करके, 97 से पहले अगर सीनियरिटी डाउन करते हैं तो सारे निचले पैदान पे आ जाएंगे, प्रमोशन से जो आए हैं वो भी बाहर चले जाएंगे। देखिए, आर्यन शर्मा ने ये बात भी कही है जो हम कहते आए हैं, जिसको एक बार पोस्ट मिल जाती है छोड़ता नहीं है। जब वो पोस्ट नहीं छोड़ता तो कल कोर्ट चला जाएगा, हमारी पोस्टें ब्लॉक हो जाएंगी। तो इसीलिए हम आपसे, आपके सभी साथियों की मदद से ये कहना चाहते हैं कि इन पोस्टों को ब्लॉक किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। चाहे हम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के साथ साथ, हमें हाई कोर्ट स्टे के लिए भी, हमारा एक साथी बात कर रहा था कि हम जाएंगे, लेकिन नहीं, हमारा स्टे हमारा कमीशन है, और कमीशन के माध्यम से हमारे डीओपीटी के और होम सेक्रेटरी को भी बुला लिया गया है। आपकी तारीख अगली नेक्स्ट वीक में लगनी है। और साथियों, अगर आपका हमारा साथ में, दोबारा कह रहा हूँ, ऐसे ही रहा तो कोई इनकी माई की ताकत नहीं है कि जो हमारे अधिकारों को छीन सकें। इसी के साथ मैं सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ।